हाँ जी, तो हम आ गए थे बिजोली अश्विन भाई के पास काफ़ी दिनों बाद। और अश्विन भाई आज हमें लेके जा रहे हैं नाइट कैंपिंग के लिए। yes. तो अश्विन भाई थोड़ा बताओ, आप कहाँ लेके जा रहे हो कैंपिंग के लिए हमें आज? सो हम कैंपिंग के लिए यहाँ पे पास ही में बिजोलिया, मतलब हम बिजोलिया में अभी, और बिजोलिया के बिल्कुल पास ही में एक फॉरेस्ट है जिसे बड़किया फॉरेस्ट बोलते हैं। वहाँ पे थोड़ा पानी और फॉरेस्ट पैच भी काफ़ी अच्छा है, तो बस हम लोग वहीं कैंपिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं आज क्या लग रहता है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हाइना या लेपर्ड में कुछ अच्छा साइटिंग हो जाए। okay. तो थैंक्स। ओके okay. तो हमने हमारा सारा सामान पैक कर लिया है और हमारे साथ वेदांग भाई, इनसे मिलवाते हैं आपको। हाय वेदांग भाई, आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ के? बहुत बढ़िया लग रहा है। उम्मीद कर रहे हैं, मॉर्निंग में तो काफ़ी अच्छा था, मॉर्निंग में सेटिंग हुई, बर्डिंग वॉज ऑल्सो गुड। सो लेट्स सी, अब उम्मीद करते रात को नॉक्टर्नल एनिमल्स का साइटिंग बेटर हो। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दिखाते हैं हम रात को क्या होता है हमारे साथ। तो हमने हमारा कैंप ले लिया है, सारा सामान सब कुछ पैक है। और अश्विन जी, तो हम निकल चुके हैं और अभी तो हम बूंदी हाईवे पे हैं। We had recently rescued a baby monitor lizard from a farm and we're going to release it into here in Ashwin's farm, nearby Ashwin's farm. And this is the proper habitat where we have always seen monitor lizard. Also, these animals are non-venomous. इसमें कोई जहर नहीं होता है। एंड अगर ये आपके घर के आसपास भी दिखता है, ये ऐसी मान्यता है कि कहीं फूंक मार दे तो आदमी मर जाता है या काट ले तो आदमी मर जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो इट इज़ अ हार्मलेस एनिमल टू ह्यूमन बींग्स। और अगर आपके घर के आसपास है तो आपके घर के आसपास के जो पेस्ट्स हैं, यानी कि जो छोटे कीड़े हैं कई बार जो फसल ख़राब कर देते हैं, या छोटे रोडेंट्स हैं, छोटे चूहे वगैरह, उनको ये खा जाता है। एंड इट इज़ अ नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। तो अगर आपके घर के आसपास दिखता है तो इनको मारे नहीं और इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में रहने दें या कोई और धूप आने। रोटी काटा जो था वो हो गया इसका, ले जा यार। और बहुत फंस गया। हाँ जी, तो हमें एक उड़ता हुआ वल्चर दिखा है। बहुत अल्टीमेट। तो अभी हमने वल्चर देखे हैं यहाँ पे, वहाँ कुछ डंप पड़ा हुआ है और यहाँ कम से कम 4-5 वल्चर्स है। तो ओह माय गॉड, बैठे फिर से आ रहे हैं आगे, फिर से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ सात यहाँ हो सकता है। आस पास बैठ कर कोई बड़ी बात नहीं। क्या बज रहा है भाई? बहुत बहुत है भाई। और इनके लिए अब मैं करता हूँ क्या ज़्यादा ही।
वल्चर्स आप देख सकते हैं, ये जो डंप था, इस डंप के लिए आसपास यहाँ बहुत सारे वल्चर्स थे, हमने काउंट किए थे 8, तो हमने काउंट कर लिए थे, उससे पहले 2-3 उड़ गए थे। और एक सबसे मेरे को मतलब इतनी चीज़ लगी कि इस गाय ने कितना प्लास्टिक खाया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरी गाय प्लास्टिक से भरी हुई थी, आप देख सकते हो मतलब पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक। तो डोंट यूज़ प्लास्टिक, अगर हमें नेचर को बचाना है, खुद को भी बचना है, तो प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल कम करना होगा। डिकेथलॉन का जो सबसे बेसिक कैंप आता है, कैंपिंग टेंट बोल सकते हैं उसको आप, 2 पर्सन वाला, तो वो हमारे पास है। इसकी हम अनबॉक्सिंग करके बताने वाले हैं आपको कि ये कैसा है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है या फिर आप इसको व्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से पैक होकर आता है अपने पास जी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रॉपर मतलब पैक होकर आ सकता है, इसको आप अपने बैग के साइड में भी रख सकते हैं, और अगर आपको कहीं लेके आना है साथ में तो आप ऐसे होल्ड भी कर सकते हैं। और कुछ डिटेल्स हैं या देख सकते हैं आप इनकी जो भी है उसकी, तो अभी फर्स्ट इसको हम मतलब ओपन करेंगे साइड से। ये जो ऊपर का कवर है तो ये साइड से ओपन हो जाएगा इस तरीके से, तो सेम इस साइड से भी इसी तरीके से खुलने वाला है सेम। देन इसके अंदर अपने को वो मिलने वाला है, ये वही है जो मेन टेंट होता है, वो बाहर का कवर था। हम ये दोनों जो लगे हुए आते हैं साथ में इनको निकाल लेंगे। देन हमारे पास टेंट आ जाता है, उसको हम खोल लेंगे फर्स्ट। ये मॉनसून के लिए तो आई थिंक इसकी नीड नहीं है, तो उसको हम एक बार के लिए रख लेते हैं। देन उसके पास, उनके बाद आपके पास आएंगी ये जो स्ट्रिप होती है, ये मिल जाएगी आपको इसके साथ ही। तो ये आपको इसके साथ 2 मिलने वाली है, तो ये दोनों क्रॉस में लगने वाली है, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे लगानी है। देन इसको सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप सीधा करेंगे और ये बस फिट हो जाएगा। इसको इस तरीके से लगा सकते हैं आप, तो ये रेडी है। आइए अब हम कैंप को ओपन करते हैं। ये हमारा बहुत सिंपल सा कैंप है, सीधा आपको इसको ओपन करना है। आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट आप इसको डाल दें, तो इस तरीके से आप इसको आराम से आप जिधर चाहें उधर एडजस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप इस तरीके से इसको सेट कर लीजिए एक साइड से, देन आप वन साइड से ये हो जाएगा, उसके बाद आपको बीच में ये मिलने वाला है, तो इसको आपको सिंपली उठा के इसके अंदर फिक्स कर लेना है। देन सेम जिस तरीके से आपने वो फर्स्ट वाला खोला था उसी तरीके से ये भी आप ओपन कर लीजिए। चलो अभी इसको भी लगा देते हैं, लगा रहने दो, हां रात को लगा दो।
सेम उसी तरीके से इसको भी आप ओपन कर लेंगे और इसको भी ग्लास में जो हुक होता है इनके अंदर फंसा लेना है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये और ये जो क्लिप्स होते हैं इनको आपको सिंपली इसके अंदर अटैच कर लेना है। ये आपको कैंप के चारों साइड मिल जाएंगे, इनको आपको इनके अंदर फंसा लेना है। एक और लगा दिया, ला एक और कहा तीसरा ले। ये आपका कैंप पूरा लग चुका है और इसको फिक्स करने के लिए आपको इसके साइड में इसके साथ ही आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है, आपको दिखाता हूँ। आपको इसके साथ ये हुक मिल जाएंगे, अगर कहीं आपको लगता है कि ज़्यादा विंट है तो उसके लिए आप इन हुक्स का यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये रस्सियाँ मिल जाएगी इसी के साथ, मतलब काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। तो अगर आप इसको परचेज़ ऑनलाइन भी कर सकते हैं डिकैथलॉन की ऑफिशियल वेबसाइट से, और आप अगर स्टोर जाके ख़रीदना चाहते हैं तो भी ख़रीद सकते हैं। तो अभी हम इनका यूज़ नहीं करने वाले हैं क्योंकि हो सका हम इसको अगर रात को यूज़ करें तो उस तरीके से बाकी नो डाउट गेम की क्वालिटी बहुत अल्टीमेट है और वैल्यू फॉर मनी है। अपना कितना भी सेटिंग हो जाए अपन उसमें इतना मगन हो जाते हैं आपको उसको बाकी के लिए भी आपके पास इसके साथ ये रेनकोट मिल जाता है आपको। अब मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ कि कैंप ठीक है सारा। ये इसका आगे से कुछ इस तरीके से इंटरफेस है, ये यहाँ से सिंपली आप ओपन करके अंदर जा सकते हैं और इसके अंदर आप मेट लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ और भी है तो लगाने के लिए और कुछ आपको अंदर भी मिल जाएगी। इसके अंदर क्या क्या नहीं करना है, इसको क्या चीज़ें हो फायर से दूर रखना है, कुछ थोड़ी चीज़ मिल जाती है इसके अंदर डिटेल्स। जैसा कि आप पीछे से देख सकते हैं आपको यहाँ से विंट के लिए भी ऑप्शन मिलेगा, एक्स्ट्रा विंट के लिए आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से। और ये हमारा मतलब कैंप पूरा रेडी है सही तरीके से, आप देख सकते हो इसके। रात को ध्यान रखना आप बेयरफुट मत चलना, बेयरफुट तो वैसे चलता नहीं, क्रॉस कर ले। तो अभी हम हमारी कैंपिंग लोकेशन पे आ चुके हैं, तो जैसा आप देख रहे हैं हम तीनों ने अभी तो तीन कैंप लगाए हैं, तो लास्ट में आई थिंक हमारे पास जो कैंप्स है एक कैंप के अंदर दो पर्सन आराम से रह सकता है, तो हम दो ही कैंप रखने वाले हैं। हो सकता है बड़ा वाला कैंप है उसमें हम तीनों एडजस्ट हो जाएं, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर इतना यूँ करना नहीं चाहिए। अगर वाइल्ड एनिमल को ट्रैक भी करेंगे हम कुछ भी, अगर नाइट को ऑब्जर्व करते हैं हो सकता है हमसे डर के एनिमल भाग जाए कुछ भी। तो इस तरीके से हमने सेटअप कर लिया है, तो अश्विन भाई पूरे रेडी हैं अपने किट के साथ, सोच रहे हैं अभी कुछ दिख जाए इनको शाम को। और वल्चर तो देख के काफ़ी मतलब मन खुश करवा दिया अश्विन भाई ने आज। और दिखा देता हूँ वेदांग भाई आप क्या बादल सफेद बादल। अच्छा बादल में कहीं अश्विन भाई ऊपर वल्चर दिखा रहे हैं, हम इतना इससे जूम नहीं कर सकते तो नहीं दिखने वाला है। बाय द वे आप हमारे कैंप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको रिव्यू करवा देता हूँ कैंप्स का। वो ये वाला जो कैंप है ये हमारे पास सबसे बड़ा कैंप है, ये अश्विन भाई का है, और ये वाला कैंप भी हम साथ में लेके आए हैं। डिकैथलॉन का सबसे बेसिक कैंप है, अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ओके वैल्यू फॉर मनी। इसके साथ आपको रेन कवर भी मिल जाएगा और मतलब काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, 2% आराम से इसके अंदर आ सकता है। और यही सेम हमारे पास डिकैथलॉन का है, और ये है आज के कुछ नज़ारे। इस तरीके से हमारी कैंपिंग साइट कुछ ये रहने वाली है, तो सनसेट होने वाला है कुछ ही देर में अल्टीमेट सारा जी। तो अभी हम आ गए हैं वाइल्ड लाइफ मतलब पूरा प्रॉपर जंगल के अंदर, और यहाँ जो ट्रैक बना हुआ है इसके अंदर चल रहे हैं हम, तो
तो अभी हमने जस्ट यहाँ से जंगली सूअर देखे हैं वाइल्ड को, अब हम अभी बिल्कुल रेडी हैं, देखते हैं हमें क्या दिखता है शाम के टाइम में, क्योंकि ये टाइम वो है ना जब सारे जानवर बाहर निकल जाते हैं शिकार की तलाश में, तो देखते हैं हमें कौन सा शिकारी जानवर देखने को मिलते हैं आज यहाँ पे। तो अश्विन भाई और ये भी बिल्कुल रेडी हैं हर एक मोमेंट के लिए, बिल्कुल हम एक एक नज़र रखे हुए हैं कि हमें कुछ दिख जाए, देखते हैं बिजुलिया के जंगल में क्या मिलता है आज हमें। कैमरा भी ऑन, इतने भी जरूरी का पता इंटरेस्ट दिखा दे यार की करते हैं बस। क्या करें, ले लेंगे यार, अभी अभी वीडियो बन रहे होते पता है, और अब तक तो 50 वीडियो बन चुके हैं। हाँ जी, तो हम पूरा फॉरेस्ट में भी ट्रैकिंग करके आ चुके हैं और ये हमारा कैंप है, हमने जो पहले रेडी कर लिए थे लाइट की उसी टाइम, और ये पूरा देख सकते हो आप चारों तरफ से सब तरफ अंधेरा हो चुका है और पूरा मतलब फॉरेस्ट के बीच में हम, और अब हम कुछ खाना खाएंगे जो हम बना के लेके आए थे, तो अब हम खाना खा लेते हैं। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं हमारे कैंप के अंदर और अब हमें लग रही है बहुत सारी भूख, और अश्विन भाई घर से बना के लेके आए हैं दाल बाटी, चलो ये तो अभी तक चूर चूर कर रहे हैं। अश्विन भाई, हाँ जी, कैसी दाल बाटी? बहुत टेस्टी है, आप खा के बताएं। ठीक है, मैं खा के बताता हूँ कैसी है दाल बाटी। हाँ जी, तो अश्विन जी, हाँ जी, तो अब हम हर्पिंग कर रहे हैं, रात का समय है, हर्पिंग हम मोस्टली नाइट में करते हैं, उसमें हम लोग रेप्टाइल्स को ढूंढते हैं और कभी कभी हम स्कॉर्पियंस को भी वहाँ पे हर्पिंग करते वक्त स्पॉट कर सकते हैं। यूजुअली जो भी नॉक्टर्नल जानवर है वो हर्पिंग में हम देख सकते हैं, बट मोस्टली ये हर्पिंग द टर्म इज़ रिलेटेड टू रेप्टाइल्स जिसमें मोस्टली स्नेक्स आते हैं, बट वी आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू स्नेक्स, हम लोग कुछ भी जो भी वाइल्ड लाइफ रात को ऑब्जर्व हो सकती है वो देख सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग पानी के आसपास देख रहे हैं जो छोटे छोटे जानवर है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अनरिकॉर्डेड स्पीशीज़ भी हमें मिल सकती है, सो इट्स इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व न्यू स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल हर्पिंग, सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स विच वी कैन डू एट नाइट टाइम। So yes, looking forward for some interesting species and we'll let you know what we come across. Okay, तो जैसा कि अश्विन भाई ने आपको बताया कि अभी हम हर्पिंग कर रहे हैं, आपको कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो बाहर आते हैं, सांप हो गए, बिच्छू हो गए इस तरीके से, तो हम उनको ढूंढ रहे हैं और देखते हैं हमें आज क्या देखने को मिलता है, सांप दिखते हैं या क्या दिखने वाला, और हो सकता है कि कोई वाइल्ड एनिमल भी कुछ दिख जाए हमें यहाँ पर। वो देखो अभी इस टाइम हाइना स्पोर्टिंग किया है, नहीं हाइना है या जकल है, कुछ क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक ऑब्जर्व करते हैं क्या चीज़ है वो। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग, तो अभी हम कैंपिंग करके उठ चुके हैं और थोड़ा लेट हो जाए, ऑलमोस्ट तो नहीं हुआ था बट हो ही गया था, पर हमने ड्रोन से कुछ शॉट्स निकाल लिए हैं जो कि मैं वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। और भाई रात से यहाँ जो हवा चल रही है ना, मतलब बहुत बहुत मस्त, और बारिश का मौसम भी हुआ था बट बारिश नहीं आई थी, और रात को कुछ स्टार गेजिंग भी हुई थी हमारी। और अब हम जाने वाले हैं वैली के अंदर, हो सकता है वहाँ कुछ वाइल्ड एनिमल मिल जाए, और रात को भी हमने बहुत सी स्पॉटिंग करी है, नीलगाय हो गए, वाइल्ड बोर हो गए, और स्वेट कैट एंड वाइल्ड बोर के मोमेंट्स मिले थे, हालांकि कोई बड़ा जानवर जैसे तेंदुआ इस टाइप से हमें कुछ नहीं दिखा, पर ठीक है कि जो भी था काफ़ी अच्छा था, और यहाँ नेचर के बीच में मतलब टाइम स्पेंड करके बहुत माइंड को रिलीफ फील हो रहा है।
सुबह जब सनराइज हुआ था तब से फॉरेस्ट के अंदर हैं। और रखो रेड डॉट दिखने लग गया है पबजी के साथ। अब देना नहीं। हाँ तो इस तरीके से हम आग जलाने वाले हैं। हाँ लग रहा नहीं ऐसे नहीं मारते ऑटो तो। मारने का तरीका अलग है आपका। तेरे पेपर गीले उसके तो नहीं बना लिखा। पेपर तो जलेगा रुको वेट करें। एक फूंक और बस जल गया। वो डिसॉल्व हो गया यार आग नहीं पकड़ रहा है। जोर से मारो। नहीं ऐसे नहीं मारते जोर से। किसने कहा? बेवकूफों की तरह थोड़ी मारते। कभी चूल्हा जलाया क्या? जला दी तो सूखा भूसा हो गया मिलेगा ना। तो क्या हो हटो भूसा। हटो भूसा पकड़े पकड़े। अरे हटो भूसा चाहिए। लग जा बहुत बढ़िया। अखबार कंबस्ट नहीं हो रहा। अखबार बड़ी जला वो तो गिरा। ये भी जल नहीं रहा। इसको भी ट्राई किया मैंने। हाँ जी तो हमने बना लिए थाई वाली मैगी जो कि अश्विन भैया थाईलैंड से लेके आए थे। तो अश्विन भैया कैसा लग रहा है आपको यहाँ पहाड़ों में? अपने पास माचिस भी नहीं थी और बहुत सारा प्रयास करने के बाद की सबसे आग जला ली थी। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाली आग है क्योंकि हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से आग ट्राई कर लिया। हमने गाड़ी के सिगरेट लाइटर से आग ट्राई कर लिया नहीं जला। फिर हमको एक पेड़ मिला जिसमें रात को बिजली गिरने से जो थोड़ी सी आग की वजह से उसमें कुछ लकड़ी हल्की सी अंगारित थी उस लकड़ी को यहाँ लाके हमने आग लगाई। बेस्ट एवर एक्सपीरियंस विल्डरनेस एक्सपीरियंस। मैगी बन गई। रात की दाल बाटी तो काफी अच्छी थी। तो अब अश्विन भैया की थाई वाली मैगी भी खा लेते हैं। उठना नहीं है किसी का। सुबह तो हमारी मैगी बन के रेडी है और ये अश्विन भाई चम्मच भी ले चुके हैं और खाने भी वाले हैं। वेदांग भाई भी रेडी है। जंगल की मैगी और ये सामने का नज़ारा। हाँ जी तो आज हम बस मैगी खा लिया है इन्होंने यहाँ। तो
यहाँ से अब हम निकलने वाले हैं, तो निकल ही गए हैं, तो कोई वैसे जंगल में रोड तो नहीं होती है, तो इसी तरीके से जो हमारे कुछ लगता है कि यहाँ से निकल जाएगी उसी रास्ते से हम निकल रहे हैं। तो अभी लास्ट